प्रबल शत्रु से बचने का उपाय बताने के लिए सेमल वृक्ष और वायु का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यदि कोई कमजोर मनुष्य मूर्खता से अपने पास रहने वाले किसी बलवान मनुष्य से वैर बांध ले और वह क्रोध में भरकर आवे, तो उसे उससे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिए? भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, इस विषय में सेमल वृक्ष और वायु का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। बहुत दिन हुए, हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। हरे भरे पत्तों से लदी हुई उसकी लंबी लंबी शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी और मृग आदि विश्राम करते थे। उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा उसका घेरा 400 हाथ था। अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे। एक दिन श्री नारद जी उधर से होकर निकले। उन्होंने उसकी लंबी लंबी शाखाएं और चारों ओर झूमती हुई डालियां देखकर उसके पास जाकर कहा, शालमले, तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो। वृक्ष प्रवर, तुम्हारे कारण हमें नित्य ही बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारी छत्र छाया में अनेकों पक्षी, मृग और गज सर्वदा निवास करते हैं। मैं देखता हूँ, तुम्हारी लंबी लंबी शाखा और सघन डालियों को वायु कभी नहीं तोड़ता। सो क्या पवन देव का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है, अथवा वह तुम्हारा मित्र है, जिससे कि इस वन में वह सदा ही तुम्हारी रक्षा करता है? यह वायु तो जब वेग भरता है, तो छोटे बड़े सभी प्रकार के वृक्षों और पर्वत शिखरों को भी अपने स्थान से हिला देता है। अवश्य भीषण होने पर भी तुमसे बंधुत्व या मैत्री मानने के कारण ही वायु देव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता रहता है। मालूम होता है, तुम वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते होगे कि मैं तो आप ही का हूँ, इसी से वह तुम्हारी रक्षा करता है। सेमल ने कहा, ब्रह्मन, वायु ना मेरा मित्र है, ना बंधु है और ना सुहृद है। वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा, किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है, उसके आगे वायु की शक्ति 18वें अंश के बराबर भी नहीं है। जिस समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओं को तोड़ता-फोड़ता मेरे पास पहुंचता है, उस समय मैं अपने पराक्रम से उसकी गति रोक देता हूँ। नारद जी ने कहा, शालमले, इस विषय में तुम्हारी दृष्टि निसंदेह ठीक नहीं है। संसार में वायु के समान तो कोई भी बलवान नहीं है। उसकी बराबरी तो इंद्र, यम, कुबेर और वरुण भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है? संसार में जीव जितनी भी चेष्टाएं करते हैं, उन सबका हेतु प्राणप्रद वायु ही है। वास्तव में तुम बड़े ही सारहीन और दुर्बुद्धि हो, केवल बहुत सी बातें बनाना जानते हो, इसी से ऐसा झूठ बोल रहे हो। चंदन, स्पंदन, साल, सरल, देवदारु, बेंत और धनवन आदि जो तुमसे अधिक बलवान वृक्ष हैं, वे भी वायु का ऐसा निरादर नहीं करते। वे अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं, इसी से वे सदा उसे सिर झुकाते हैं। तुम जो वायु के अनंत बल को नहीं जानते, यह तुम्हारा मोह ही है। अच्छा, तो अब मैं भी वायु के पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, शालमली को इस प्रकार डपटकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ नारद ने वायु देव के पास आकर उसकी सब बातें सुना दी। इससे उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह उस सेमल के पास जाकर कहने लगा, शालमले, जिस समय नारद जी तेरे पास होकर निकले थे, उस समय क्या तूने उनसे मेरी निंदा की थी? तू जानता नहीं, मैं साक्षात वायु देव हूँ। देख, मैं अभी तुझे अपनी शक्ति का परिचय कराए देता हूँ। ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में विश्राम किया था।
इसी से मैं अब तक तुझ पर कृपा करता आ रहा था और तू मेरी झपट से बचा रहता था, परंतु अब तो तू एक साधारण जीव के समान मेरी अवज्ञा करने लगा। अच्छा तो ले, मैं तुझे अपना रूप दिखाता हूँ, जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करने का साहस ना हो। वायु के इस प्रकार कहने पर सेमल ने हंसकर कहा, पवनदेव, यदि तुम मुझ पर कुपित हो तो अवश्य अपना रूप दिखाओ। देखें, क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो। मैं तुमसे बल में कहीं बढ़ चढ़कर हूँ, इसलिए तुमसे जरा भी नहीं डर सकता। अजी, अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता। शालमली के ऐसा कहने पर पवन बोला, अच्छा कल मैं तुझे अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इतने ही में रात आ गई। शालमली ने अपने को वायु के समान बलि ना देखकर सोचा, मैंने नारद जी से जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था। बल में वायु के सामने मैं बहुत असमर्थ हूँ, इसमें संदेह नहीं। मैं तो दूसरे कई वृक्षों से भी दुर्बल हूँ, परंतु बुद्धि में मेरे समान उनमें से कोई नहीं है। अतः मैं बुद्धि का आश्रय लेकर ही वायु के भय से छूटूंगा। यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकार बुद्धि का आश्रय लेकर वन में रहेंगे तो निसंदेह उन्हें कुपित वायु से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकेगी। भीष्म जी कहते हैं, सेमल ने ऐसा विचार कर स्वयं ही अपनी शाखा, डालियां और फूल पत्ते आदि गिरा दिए तथा प्रातः काल आने वाले वायु की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर वायु क्रोध से सनसनाता और अनेकों विशाल वृक्षों को धराशायी करता हुआ वहां आया। जब उसने देखा कि वह अपनी शाखा और फूल पत्ते आदि गिराकर ठूंठ बना खड़ा है, तो उसका सारा क्रोध उतर गया और उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे सेमल, मैं भी क्रोध में भरकर तुझे ऐसा ही कर देना चाहता था। तेरे पुष्प, स्कंध और शाखा आदि नष्ट हो गए हैं तथा अंकुर और पत्ते भी झड़ चुके हैं। अपनी कुमति से ही तू मेरे बल पराक्रम का शिकार बना है। वायु की ऐसी बात सुनकर सेमल को बड़ा संकोच हुआ और वह नारद जी की कही हुई बातें याद करके बहुत पछताने लगा। राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्बल होने पर भी अपने बलवान शत्रु से विरोध करता है, उस मूर्ख को इस सेमल के समान ही संतप्त होना पड़ता है। इसलिए बलवान शत्रुओं से कभी वैर नहीं ठानना चाहिए, क्योंकि आग जैसे तिनकों में बैठ जाती है, उसी प्रकार बुद्धिमान की बुद्धि उसके नाश का कोई उपाय निकाल लेती है। वस्तुतः बुद्धि और बल के समान मनुष्य के पास कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए समर्थ पुरुष को बालक, मूर्ख, अंधे, बहरे और अपने से विशेष बलवान के व्यवहार को सर्वदा सहते रहना चाहिए।